का खा गए, लूट का खा गए रावलर तो भैया, रावलर तो लूट का खा गए देश है। क्या लूटा? सबे लूट गए और कहा करेगा? अरे मोदी ने देश बेचा। अरे मोदी ने कैसे बेचो, मोदी सब कुछ दे रहा है, राशन दे रहा, आयुष्मान कार्ड दे रहा, और भैया तेरे सिलेंडर दे रहा, क्या ना दे तार के लेके अपने बंगले में, तो क्या क्या होगा उसे? दी बेटियों की दिन दहाड़े इज्जत लूट जाती थी, दिन दहाड़े हम किसान आदमी इनकी, किसान आदमी इनकी जबरदस्ती गोली मार कर दो डंगर खोल कर ले जाते थे अगले सरकार में, मोदी योगी की सरकार में, बताओ क्या हो रहा? अरे ऐसे रोड बताओ कहाँ बन रहे हैं हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में पहली बार रैपिड ट्रेन जो दी है तो यूपी को दी है मोदी ने, नहीं कहीं नहीं दी आज तक भी, पहली बार। वो ये चुनावी चुनावी मामला, चुनावी नहीं, अब तो पहले क्या चुनाव नहीं होते थे? अब तो पहले क्या मुसलमान लोग उसके चुनाव नहीं होते थे क्या? हैं? चुनाव अब तो पहले नहीं हुआ क्या? आज ही चुनाव हो रहे हैं क्या? चुनाव तुम्हें भी चुनाव के टाइम पे याद आती है? बंटवाया है मोदी ने राशन तो अभी, बंटवाया है गरीब आदमी को राशन दे रहे हैं। राहुल कह रहे हैं 70 साल हमारा परिवार जो है शासन किया था, अच्छा किया था, कुछ नहीं किया। कुछ जहाँ 10 घंटे में कहीं जावे तो आधा घंटे पहुँच रहे हो। देश में देख बताओ कौन भूखा मर रहा है? बढ़िया खुशी खुशहाल से खा रहे, बढ़िया सो रहे, बढ़िया रह रहे, बताओ हमें, बताओ भूखा कौन मर रहा है? हमारी कॉलोनी में लाइट नहीं है, लाइट नहीं आ रही है कॉलोनी में, हमारी कॉलोनी में लाइट नहीं है, लाइट आना चाहिए। अच्छा, दिन में कोई खेतों में नहीं जावे था, आज रात को सोते पेट भर काट के पैर फैला के, किसी की हिम्मत नहीं, कोई टोक दे, कोई ट्रैक्टर से हाथ लगा ले, खेत में हाथ लगा ले, ट्यूबवेल से हाथ लगा दे, कहीं हाथ लगा के दिखा दे। चौधरी कहते हैं कि बाबा के जो बछड़े, चौधरी कौन चौधरी से जाने, कौन चौधरी पत्मा देखा क्या हलवा जो साहब, क्या हलवा देखा किसी ने? नहीं जैन चौधरी साहब क्या हलवा देखा आपने? कौन चौधरी, कौन चौधरी को जानते हैं? नहीं हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। राकेश टिकैत ने डकैत है, डकैत है, नहीं डकैत है, उसमें 4 बीघे जमीन थी, आज 400 बीघे ज्यादा है, 400 बीघे ज्यादा, कितने पेट्रोल पंप, कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया, लूटा लूटा किसानों को, लूटा उसने किसानों को, लूटा। रैली हुई ट्रैक्टर रैली, 50 करोड़ रुपए लेके और किसानों को पिटवा गया, बुलेरो में गाड़ी में बैठ कर भाग गया, बुलेरो गाड़ी में बैठ कर भाग गया, किसान पिटे हुआ भी, किसानों के लिए रोया था, कहाँ रोया था मैं बताऊँ, क्यों रोया था? अपनी जान बचाने के लिए रोया था, अपनी जान बचाएगा रो के, वो जान नहीं ठाक है, उधर अंदर कर देते कौन प्रशासन, प्रशासन करता अंदर, तो कहता प्रशासन करता, प्रशासन की नहीं डरता, कौन नहीं डरता, तो रोया क्यों है? क्या पानी भी वस्ती पीऊंगा जब गवर्नमेंट ने पानी बंद कर दिया उसका, जूता बताओ रोया भी क्यों है? असली किसान लोकतंत्र खत्म, दोगला किसान है वो, दोगला किसान है सबसे, वो असली किसान नहीं है, पैसा लूटा और जो भीड़ ले गया पैसे दे दे के 500-500 रुपए रोज पर लेके गया, कितनों के ऑफर आवे थे पैसे दे के लेके गया, ट्रैक्टर की लात लग जाएगी, अभी लग जाएगी, आ जाओ कौन सा, आओ मैदान में आओ, मोदी कौन है, नहीं देंगे मोदी, कौन रोके, मोदी तो विदेशों में पैर छूते हैं, मोदी विदेशों में मोदी के पैर छुए जाते हैं, फिलिस्तीन का जो प्रधान राष्ट्रपति मोदी से कल बात करी है, और देखो हमारे यहाँ के कुछ, हमारे यहाँ के कुछ कहते हैं, हमारे यहाँ कुछ कहते हैं कि हम हमास के फेवर में, हम जो गाजा के फेवर में, हम लेबनान के फेवर में, क्या वो आतंकवादी हैं? हमारे मोदी से सहायता मांगे उन्हें कोई भी दे रहे हैं, अच्छा। अपने बैरी को भी देते हैं सहायता, बिहारी वाजपेयी किसका सपोर्ट किए थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी, वो अब हम तो आप भी सपोर्ट करें, फिलिस्तीन से कल बात करी, जब फिलिस्तीन सारा कुछ इसका करता धरता है, ईरान सब करता धरता है इसका, हाँ तो वो तो हमारे तो वे काम बदले जो कभी किसी सरकार में न बदले, जम्मू कश्मीर में लागू हुई न हुई सबको पता भाई, आज से बड़ी हटी, जम्मू कश्मीर में हमारे फौजी भाई पीटते थे रोड पे खड़े होके, और आज पीट दो कोई, आज पीट लो उन्हें खड़ा कोई, कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के राज में हमारे सैनिकों की गर्दन काट के ले गए, कांग्रेस के राज में हमारे सैनिकों की गर्दन काट के ले गए, आज कोई जरा बोल के दिखा दे पाकिस्तान। सुनिए फिलिस्तीन के लिए कह रहा है लोग, उधर मुसलमान नाराज है, उधर जाट नाराज है, कह रहे हैं हमको इनके साथ रहना है, जाटू में जाट, देखो मोमडन कितने रैली में, देखो मोमडन यही पकड़ा जाता है, आदमी चोर होगा, चोर की रैली में कौन जाएगा, सच्चे भक्त, सच्चे भक्त आते हैं मोदी की रैली में, कह रहे फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दे रहे, क्यों ना, क्यों दे, मैं क्यों दे, मैं हम अपना देश देखें, दूसरे का देखें, अपना देश बचाओ, बेटी पढ़ाओ,
देश बचाओ अपना। कहते हैं कि प्रधानमंत्री हस्तक्षेप, ऐसा चोर है, उनकी बात मत कहो, चोर है वे, चोर, चोरों की बात नहीं करते हम। ये सब ठीक हो जाएगा? हाँ नहीं, ऐसे थोड़े होगा, ऐसे थोड़े होगा, मोदी ही आएंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे ना। मोदी हम लोग के लिए बहुत कुछ कर रहे भाई, क्यों सो अब ये नहीं पता। अभी राशन बंटवाया है मोदी ने, राशन तो अभी बंटवाया है, गरीब आदमी को है, गरीब आदमी को राशन दे रहे हैं। राहुल कह रहे हैं 70 साल हमारा परिवार जो है शासन किया था, अच्छा किया था, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मोदी ने, फिर भी किया। देश में अस्पताल नहीं था, लूट का खा गए, लूट का खा गए राहुल हर तो भैया, राहुल हर तो लूट का खा गए देश है। क्या लूटा? सब लूट के और कहा करेगा? मोदी ने देश बेचा। अरे मोदी ने कैसे बेचा? मोदी सब कुछ दे रहा है, राशन दे रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड दे रहा हूँ, और भैया तेरे सिलेंडर दे रहा हूँ, क्या ना दे रहा मोदी ना होता तो लोग मुक्के मर जाते इंडिया के। हाँ जी, हाँ जी, कोरोना काल में क्या ना करा उन्होंने, कोविड 19 की, जब कोविड का वो पीएम के योजना के अंतर्गत जो जहाँ फंडिंग हो रही थी आरटीआई कर रहे हैं, वो देखा बता ही नहीं रहे कहाँ गया पैसा। ऐसा कुछ नहीं है, कोविड-19 की वैक्सीनेशन इंडिया में तैयार हुई थी और उनकी वजह से चल रहा है। आग जो रोडन की राड़ी काटता ही मोदी की तो मेहरबानी है। जो खुद बेल पर चल रहे हो, क्या किसी को सुधार करेंगे? 5,000 करोड़ के घोटाले में चल रहे हैं वहाँ बेटा, बेल पे हैं, बेल पे हैं, अभी उनके बेज अपनी जमानत पर डोल रहे हैं, देश का क्या उद्धार करेंगे? अरे वो तो ये कह रहे हैं भैया स्थिति क्या हो गई, पता है आपको भैया स्थिति गिनती आ रहे हैं, वादे से क्या स्थिति थी? अब से पहले क्यों नहीं इन्हें याद आई इस चीज की? अब भाई देश में रेल भी चलनी है, एक देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर कैसे पैसे का पेड़ पे उगते हैं? जब प्रधानमंत्री ये बोल दे तो बताइए जनता के पास क्या जाएगा मैसेज? आज तो प्रधानमंत्री नहीं कहता पैसे पेड़ पे उगते हैं, आज तो प्रधानमंत्री ये कहता ये चीज भी करनी है, हमको चांद पे भी जाना है, हमको सड़क भी बनानी है, हमको एमसी भी बनाना है। अरे लोग कहते हैं चांद पे जाने से हमको क्या फायदा है, बताइए ना, हमें पहले भोजन की व्यवस्था दीजिए। अगर चांद पे जाने से फायदा नहीं होता तो चांद पे भेजते क्यों, इतना पैसा क्यों खर्च किया? सैटेलाइट किस लिए, किस काम आती है सैटेलाइट? फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो खिंचवाने मतलब सैटेलाइट किस काम आती है? हमें मौसम का अनुमान, हमें बहुत सारी चीजों का अनुमान लगता है उससे। अगर हम एक बार बताइए 2014 से पहले हमने देखा था, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे NH-24 बनाया हुआ है। अगर हमें सराय काले खां भी जाना होता था तो हमें 1.5 से 2 घंटा लगता था सिर्फ ये 5 किलोमीटर में, लेकिन आज हम मेरठ में 35 मिनट में पहुँच रहे हैं, जो कि 45 किलोमीटर पड़ता है। और आज ये आप देख रहे हैं देश की पहली रैपिड रेल हमारे गाजियाबाद से चल के मेरठ तक जा रही है। आप सोचिए 160 किलोमीटर प्रति घंटा जिसकी रफ्तार है। पहले हम मेरठ जाते थे तो हमारा पूरा दिन खराब होता था, हम यहाँ से चलते थे तो हम 4 घंटे में मेरठ पहुँचते थे। अगर हमारा 1 घंटे का काम है 4 घंटे वापस आने में तो लगभग 8 से 9 घंटा हमारा खराब हो जाता था। तो भाई साहब हमने तो छोटे से जब बड़े हुए आज तक हमने तो काम होते हुए देखा है। जब से मोदी जी आए हैं बदलाव ही देखा है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, आप देखिए ना गुंडागर्दी है। आप सुनते हैं कभी कि यहाँ कोई गुंडागर्दी हो गई? यादव कहता ध्वस्त है सरकार, ध्वस्त है, तो यादव खराब है बिल्कुल, उसने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं, चोर चोर को ही देखता है। सही बात, अखिलेश यादव तो टोटी तार के अपने बंगले में, तो क्या क्या होगा उसे? दी बेटियों की दिन दहाड़े इज्जत लूट जाती थी, दिन दहाड़े हम किसान आदमी इनकी, किसान आदमी इनकी जबरदस्ती गोली मारकर डोर डंगर खोल कर जाते थे अखिलेश की सरकार में, मोदी योगी की सरकार में, बताओ क्या हो रहा? अरे ऐसे रोड बताओ कहाँ बन रहे हैं हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में पहली बार रैपिड ट्रेन जो दी है तो यूपी को दी है मोदी ने, नहीं कहीं नहीं दी है आज तक भी, पहली बार। ये चुनावी मामला, चुनावी नहीं, अब तो पहले क्या चुनाव नहीं होते थे? हम तो पहले क्या मुसलमान लोग हैं, उसके चुनाव नहीं होते थे क्या? हैं, चुनाव अब से पहले नहीं हुआ क्या? आज ही चुनाव हो रहे हैं क्या? चुनाव तुम्हें भी चुनाव के टाइम पे याद आती है? मैं आपको एक बात बताऊं क्या? मैं भाई जी एक मिनट, मैं बताता हूं आपको, मैं अयोध्या जिले का रहने वाला हूं भाई साहब, और हमारे गांव के बगल में एक गांव पड़ता है जिसका नाम मंगरी है, और वो पूरा यादवों का गांव है, ठीक है? मैं बता रहा हूं 2014 से पहले उस गांव